अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो में लेकर आई हूं कि आप घर बैठे पार्लर जैसी स्किन पॉलिश कैसे बना सकते हैं। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ वो सारे सीक्रेट्स जो कि पार्लर के यहाँ पे सैलून वाले आप लोगों के लिए अच्छी स्किन पॉलिश बनाते टाइम यूज करते हैं। तो फिर चलिए इन सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। इस स्किन पॉलिश को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा डेवलपर। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डेवलपर का ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्किन पॉलिश अपने सिर्फ हैंड्स एंड फेस पे अप्लाई करनी है। अगर आपको ज़्यादा एरिया पे इसकी एप्लीकेशन करनी है तो आपने उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। डेवलपर को ऐड कर लेने के बाद अब इसमें जाएगा स्किन पॉलिश का ब्लॉन्डर पाउडर जिसकी क्वांटिटी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जितनी क्वांटिटी आपने डेवलपर की लेनी है उसकी 1/2 क्वांटिटी आपने पाउडर की लेनी है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली तो उससे आपकी स्किन बर्न होने के साथ साथ किसी भी किस्म का रिएक्शन आपके फेस पर आ सकता है। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर का इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। ड्राई मिल्क पाउडर को बहुत सारे सैलॉन्स वाले अपनी स्किन पॉलिश को बनाते टाइम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका ये बेनिफिट होता है कि ये आपकी स्किन को बर्न होने से बचाता है। तो अभी तक आप इस चीज़ को अपनी स्किन पॉलिश पर ऐड नहीं करते हैं तो अब से इस इन्ग्रीडियंट को अपनी स्किन पॉलिश का हिस्सा बना लें ताकि आपकी स्किन जलने से बच सके। अब जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इसमें जाएगा वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को इसमें ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा, जिसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है 1/4 टीस्पून। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है मॉइस्चराइजर। कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप अपने हैंड्स, फेस या बॉडी पर यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून मॉइस्चराइजर का ऐड किया है। अब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर। ये वाइटनिंग पाउडर आपको बाजार से या किसी भी अच्छी मार्ट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोई और वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। अब इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस स्किन पॉलिश को आपने जिस भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई कर लेने के बाद 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने 10 मिनट्स के बाद एक साइड से हल्का सा रिमूव करके ये चेक कर लेना है कि आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की रेडनेस तो नहीं आ रही है या किसी भी तरह से आपकी स्किन इरीटेट तो नहीं हो रही है। और अगर आपको ऐसा फील हो तो आप फ़ौरन से अपना फेस वॉश कर लें और अपना फेस वॉश कर लेने के बाद इस प्यारे से डिफरेंस को एंजॉय करें। सो बस यही थी मेरी आज की सैलॉन्स की सीक्रेट स्किन पॉलिश की रेसिपी, जिसे अब आप अपने घर बैठे बनाने के साथ साथ अपने पार्लर और सैलॉन के पैसे भी बचा सकेंगे और इसे अपने घर पे ट्राई करने के साथ साथ इसके रिजल्ट्स भी मेरे साथ शेयर करेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।